बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोना चांदी में गिरावट, सोना 50 रुपए सस्ता, चांदी 200 रुपए नीचे। गेहूं भंडार घटा, भंडार घटकर 60% तक। वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 50 रुपए टूटकर 62,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबार में पीली धातु 62,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी भी 200 रुपए गिरकर 76,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। शुक्रवार को सोने का कारोबार नकारात्मक रहा। दिल्ली बाजार में सोने की हाजिर कीमत 62,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करी थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 3 पैसे की गिरावट के साथ 83.37 पर बंद हुआ है। आयातकों की डॉलर मांग बढ़ने और एशियाई मुद्राओं में कमजोर रुख के बीच रुपए की विनिमय दर में गिरावट आई है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि घरेलू शेयर बाजार में नरमी का असर भी स्थानीय मुद्रा पर पड़ा। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83.33 पर खुला। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए 2,182 करोड़ रुपए के पहले अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी ने बयान में कहा कि NTPC ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 23 नवंबर 2023 को 2,182 करोड़ रुपए का पहला अंतरिम लाभांश दिया। यह कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 22.50% है। यह लगातार 31वां वर्ष है जब NTPC ने लाभांश का भुगतान किया है। यह बताता है कि कंपनी लगातार अपने निवेशकों को लाभ दे रही है। बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली NTPC देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बीच फसल की बुआई के रकबे में गिरावट ने चिंता बढ़ा दी है। देश में गेहूं की बुआई का रकबा 17 नवंबर 2023 तक एक साल पहले की तुलना में 4.7 लाख हेक्टेयर यानी 5.5% घटकर 86 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसकी प्रमुख वजह अल नीनो प्रभाव के कारण पानी की कमी और मिट्टी की नमी के स्तर में गिरावट है। ऐसे में किसान गेहूं की बजाय उन फसलों की बुआई बढ़ा रहे हैं जिनमें सिंचाई के लिए पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। विशेषज्ञों ने कहा कि सामान्य से अधिक तापमान के कारण 2022 और 2023 में गेहूं की पैदावार प्रभावित हुई। इससे घरेलू बाजार में कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच गई। कीमतें नियंत्रित करने को सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना है कि 2024 में भी उत्पादन सामान्य से कम रहा तो अनाज उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियम के मानदंडों के उल्लंघन को लेकर सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता नीति योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए सिटी बैंक NA पर सबसे अधिक 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कर्ज को लेकर सेंट्रल रिपोजिटरी के गठन और अन्य मामलों से जुड़े कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज के सुर्खियों पर। सोना चांदी में गिरावट, सोना 50 रुपए सस्ता, चांदी 200 रुपए नीचे। गेहूं भंडार घटा, भंडार घटकर 60% तक। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज। नमस्कार।